वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे रिवीजन सीरीज क्लास 10th के फिजिक्स के पार्ट 4 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर्स जरूर से जरूर आपने चैट बॉक्स में लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। Here we have question number 1. An ampere current can also be represented by. एक जो एम्पियर है हमारा करंट की यूनिट, उसको और हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Your options are कूलम सेकंड इनवर्स, वोल्ट पर कूलम और वोल्ट सेकंड। Write down your answer fast. The right answer is कूलम पर सेकेंड। कैसे आया? तो एम्पियर हमारे पास यूनिट होती है करंट की, विच हैज फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज की यूनिट कूलम पर टाइम की यूनिट सेकेंड। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कि एम्पियर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलम पर सेकेंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन का आंसर सबने ट्राई करना है, अनदर वे ऑफ राइटिंग वोल्ट इज। वोल्ट को लिखने का, जैसे हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था एम्पियर को लिखने का नेक्स्ट वे कैसा होता है, ऐसे ही इसने बोला अनदर वे ऑफ राइटिंग वोल्ट इज वोल्ट को लिखने का नेक्स्ट वे कैसा होगा? जूल पर कूलम और वोल्ट पर एम्पियर, कूलम सेकेंड, या फिर इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो वोल्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। टाइम द राइट आंसर इज जूल पर कूलम। ए ऑप्शन कैसे हुआ? वोल्ट, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है वर्क डन अपॉन वी चार्ज। हियर वर्क डन, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम इनवर्स। सो द आंसर इज जूल पर कूलम। क्वेश्चन आया हमारे पास, अ थिन वायर एंड अ थिक वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम मटेरियल। एक थिन वायर है, एक थिक वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, सेम मटेरियल का बना है, सेम टेम्परेचर पे हमने रखा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ थिन वायर इज, थिन वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? थिक वायर से ज्यादा होगी या फिर थिक वायर से लेस होगी, या फिर दोनों का इक्वल होगा, या फिर इनमें से कोई भी आंसर रेजिस्टिविटी ऑफ थिन वायर का आंसर देने में सफिशिएंट नहीं है। तो आपने पहले सोचना है रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, और उसके बाद आपने आंसर कर देना है। वेरी गुड, द राइट आंसर इज सी। रेजिस्टिविटी थिन वायर और थिक वायर की सेम रहेगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, ऑन द थिकनेस, डिपेंड ही नहीं करती है इस चीज पे। तो इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी इफ दे आर ऑफ सेम मटेरियल एंड दे आर एट सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, व्हेन रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंसेस, उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेटर देन द रेजिस्टर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस, लेस देन द रेजिस्टर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या फिर लेसर देन द रेजिस्टर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या फिर लेसर देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग लीस्ट रेजिस्टेंस। उसने बोला सबसे पहले ऑप्शन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उनमें उससे भी बड़ा रिजल्ट आएगा, या फिर मैक्सिमम रिजल्ट रेजिस्टेंस से कम रिजल्ट आएगा, या मैक्सिमम रेजिस्टेंस से बहुत कम रिजल्ट आएगा, या फिर जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, उससे भी लेसर हमारा रिजल्ट आएगा। तो सीरीज में कैसे फॉर्मूला होता है और कैसे हम निकाल सकते हैं उसको आपने सोचना है, और उससे आपके पास आंसर आ जाएगा, और फटाफट से आंसर को चैट बॉक्स में लिख देना है। The right answer is A, because resistor जब series में connect होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उनका combination निकालते हैं, like R equals to R1 plus R2 plus R3,
तीनों को कंबाइन कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो आंसर सीरीज के कंबाइंड वाले में हमेशा ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सिंगल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट पावर। इन वालों में से पावर को रिप्रेजेंट कौन सा सर्किट नहीं कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि पावर के बेसिकली हमारे पास चार फॉर्मूलाज होते हैं, तो हमने चेक करना है कि उनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इसमें पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। द फर्स्ट वन इज आई स्क्वायर आर, सेकेंड इज आई स्क्वायर बाय आर, थर्ड इज वी इंटू आई, फोर्थ इज वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आई इज द करेंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने देखना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो पावर का फॉर्मूला नहीं होता है। द राइट आंसर इज बी, दैट इज आई स्क्वायर बाय आर पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई होता है। फिर जब हम वी को चेंज करते हैं तो आई आर आता है, जिसे फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर। और दूसरे केस में अगर हम आई को चेंज करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है वी स्क्वायर बाय आर। सो द राइट आंसर इज आई स्क्वायर बाय आर डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, रजिस्टर ऑफ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तीन रजिस्टर है हमारे पास, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। तो बोला दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आएगा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 + 2 + 3 ऐसा ही होता है। तो बोला लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 ओम, या बिटवीन 1 ओम एंड 3 ओम, या फिर बिटवीन 2 ओम एंड 3 ओम, या फिर इनमें से कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो करेक्ट हो। तो इनमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जब हम सीरीज में कनेक्ट करें, तो इनका आंसर ना तो 1 ओम आता है, ना 1 ओम से 3 ओम के बीच में आता है, ना 2 ओम और 3 ओम के बीच में आता है, क्योंकि इसका आंसर आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू आर 1 + R2 + R3। सो 1 + 2 + 3, सो द आंसर इज 6 ओम। आया हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, साइमन, ओम, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर एम्पियर पर वोल्ट। राइट आंसर इज ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, सेल कन्वर्ट, सेल क्या कन्वर्ट कर सकती है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। फर्स्ट आया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, या फिर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल के अंदर क्या होता है और वो क्या कन्वर्ट करती है वो हमने फाइंड आउट करना है। The right answer is, सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, क्योंकि सेल के पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, और हम उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर, या इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो। राइट आंसर इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम मीटर। क्वेश्चन आया हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, वोट, किलोवाट आवर और वोल्ट एम्पियर। राइट आंसर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, 1 kWh इज इक्वल टू, 1 kWh किसके इक्वल होता है, 3.6 into 10 raised to power
5 joules, 3.6 × 10^12 joule, 3.6 × 10^6 joule, या फिर none of these. Yes, the right answer is 3.6 × 10^6 joule. 1 kilowatt hour में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10^6 joule. क्वेश्चन इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले. थैंक यू.